बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक तो कि वो 21 तारीख को ही लखनऊ आ जाएंगे, और दूसरा क्योंकि देखिए यम नियम का पालन कर रहे हैं 11 दिनों से महानुष्ठान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी जानकारी मिल पा रही है कि 11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंबल पर सो रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। देखिए महानुष्ठान यानी कि एक दृढ़ संकल्प जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया था, इसमें यम नियम का पालन करना होता है, सात्विक जीवन जीना होता है, चट्टाई पर सोना होता है, मंत्रोच्चारण करने होते हैं, इसके अलावा आपको व्रत रखने पड़ते हैं। और यही दृढ़ संकल्प या यूं कहें जो संकल्प जो प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसको लेकर अब ये जानकारी मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 दिनों से चट्टाई पर सो रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी मास्टर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 दिनों से महानुष्ठान कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं। देखिए पूरी तरह से जितने भी अनुष्ठान है 11 दिनों के, प्रधानमंत्री उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। जो पूरी की पूरी गिनती राम जन्मभूमि न्यास ने गिनाई थी, पहले दिन जो काम था वो प्रधानमंत्री ने उसको शुरू किया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली की कड़ाके की ठंड में भी प्रधानमंत्री इस पूरे अनुष्ठान के पीरियड में जमीन पर सो रहे हैं, जमीन पर कंबल बिछाकर उसके ऊपर सो रहे हैं। ये बहुत अनुष्ठान का सबसे पहला हिस्सा है। दूसरा, वो कुछ सब कुछ अन्न को त्यागा हुआ है और सिर्फ पूरा 11 दिन वो नारियल पानी पीकर बिताएंगे। और ये पूरे अनुष्ठान का अंत परसों सरयू में स्थान रामलला लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा तक जारी रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है तमाम नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 11 दिनों से वो महानुष्ठान कर रहे हैं, 11 दिनों से चट्टाई पर सो रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। जो भी एक यजमान की जो भूमिका होती थी, प्रतीकात्मक यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा के हैं, और जो मुख्य यजमान है वो अनिल मिश्रा है, उनकी धर्म पत्नी है, और यही वजह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है महानुष्ठान कर रहे हैं। क्योंकि अमिताभ, प्रतीकात्मक यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है, और उनकी तरफ से कहा गया था कि वो जो भी प्रतिज्ञा उनकी यही है, जितना भी कठिन से कठिन संकल्प होगा वो जरूर करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने सीधा, एक तो 50 साल से उनका राम मंदिर को लेकर उनकी उनकी आस्था है और उनका संबंध है, और दूसरा जो उनका किया हुई प्रतिज्ञा थी कि हम तभी आएंगे जब रामलला यहाँ पर मंदिर बनेगा, और प्रधानमंत्री ने उनको अक्षरशः पूरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, लखनऊ हाई कोर्ट ने फैसला किया, अब जब रामलला बन रहा है उसको मूर्त रूप देने में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री ने निभाई है। जिस तरह से आज आपने देखा होगा सुबह में प्रधानमंत्री ने स्टैंप भी, पोस्टेज स्टैंप भी रिलीज किया, जिसमें 20 देशों के जारी हुई डाक टिकटों का संकलन है। तो एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश की गई है राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, कि राम सिर्फ भारत नहीं, राम और उस पोस्टेज स्टैम्प में जटायु शबरी से लेकर तमाम लोगों तमाम उन राम से जुड़ी आस्थाओं की तस्वीरें हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री इसको न सिर्फ पूरे भारत का एक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में राम की आस्था है इसको जता रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए अमिताभ, इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन केंद्रीय कर्मचारियों को आधे दिन की छुट्टी देने का केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला भी किया है। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी रहेगी। जानकारी मिल पा रही है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये बड़ी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको आधे दिन की छुट्टी दी जाएगी। ये फैसला लिया गया है, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टी रहने जा रही है, क्योंकि 22 तारीख वो तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, हर कोई राम भक्त इस दिन का इंतजार कर रहा है।